पढ़ेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में पहली चुनावी रैली संबोधित की। एनडीए की ओर से बांका में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री के अलावा गठबंधन के कई आला नेता शामिल थे। प्रधानमंत्री ने रैली में इशारों में नीतीश कुमार को अहंकारी बताया और कहा कि राज्य में जो सरकार है उसमें इतना दम्भ है कि वो केंद्र की ओर से भेजी वित्तीय मदद को वापस कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता से अपील की कि राज्य में वंशवाद, फांसीवाद, अलगाववाद, सामंतवाद और अहंकार वो झेल चुका है, इसको नकारें और विकासवाद के लिए इस बार वोट दें। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद से जुड़े लोगों से अपील की वो मुख्य धारा में शामिल होकर अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें, क्योंकि हिंसा से नहीं बल्कि विकास से समस्याओं का समाधान होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, एनडीए की टीम बिहार का भाग्य बदलने में जुटी हुई है, इसलिए राज्य की जनता से अपील है कि वो भारी तादाद में बैलेट की ताकत दिखाएं और वोट देकर एनडीए को विजयी बनाएं। चुनाव घोषित होने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। अब इसको मैं जनसभा तो कह ही नहीं सकता हूं, रैली भी नहीं कह सकता हूं, मुझे तो रेला ही रेला नजर आ रहा है। ऐसा विराट जनसागर अगर एक रैली कोई कर देता, इतनी बड़ी एक रैली, तो भी सारी दुनिया मान लेती कि भाई आप एक बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई। माहौल ये इस बात का परिचय दे रहा है, इस बार बिहार दो दिवाली मनाएगा। एक तो जिस दिन नतीजे आएंगे और फिर कुछ दिन बाद एक जो दिवाली आएगी वो दिवाली, दो दो दिवाली का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। ये बिहार की धरती, इसकी एक विशेषता रही है, इस देश में कोई ऐसा आंदोलन ऐसा नहीं होगा जिसका प्रारंभ बिहार की धरती से न हुआ हो। ये बिहार की ताकत है। चंपारण का सत्याग्रह जो आजादी के आंदोलन में सत्याग्रह करके एक नई मिसाल कायम कर गया, उस महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर आज मैं मेरी पहली चुनाव सभा से बिहार की जनता से प्रार्थना करने आया हूं। मैं बिहार से एक ही बात मांगने आया हूं, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। बिहार में विकास हो,